हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का पुराने लाइट पिछले साल के पड़े हैं और ये ख़राब हो चुके हैं और चल नहीं रहे हैं, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे सही करना है। दोस्तों, ये मेरा जो लाइट है ये पिछले साल का था, जो कि बैग में से निकालते समय इसमें से कुछ तारे ये टूट गए हैं। आप देख सकते हो, ये कुछ तारे इसमें से लगे थे और टूट गए हैं। मुझे पता नहीं कि ये कहाँ लगे थे। अगर मैं इसको गलत या सही जोड़ देता हूँ और सप्लाई देने के बाद ये पूरा पूरा लाइट मेरा ख़राब हो जाएगा, जो भी 300 का या 200 का मिलता हो आपके यहाँ पे। तो दोस्तों, इसको सही कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखना है। अगर बीच में स्किप कर दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा और गलत आप जोड़ बैठे होगे, जिस करके आपका पूरा पूरा लाइट ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमको क्या करना है, दोस्तों इसको अगर हमको नहीं पता लग रहा कैसे इसको सही करना है, तो हमने फटाफट से इसके पास हमारे पास दो मेथड हैं इसको सही करने के लिए। पहले हम इसको बिना डायरेक्ट चला कर दिखाता हूँ, बिना एडाप्टर का। कई लोग बोलते हैं बिना एडाप्टर के कैसे चल जाएगा, चल जाता। दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा आपको दिखाता हूँ कैसे इसको चलाना है। दोस्तों तो ये है दोस्तों वो मेरा मेन सप्लाई जो आया है, आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है मेरा मेन सप्लाई है, ये इधर जो है ये दोनों मेन सप्लाई है, बाकी ये जो है ये सारे लाइटों में जा रहे हैं इस एलईडी लाइट में। तो हमने क्या करना है दोस्तों, फटाफट से इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ इस यहाँ से, कुछ इस प्रकार से खींच के आपने सब तोड़ लेना है। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों ये सारा टूट गया है। यहाँ से जो अडेप्टर ये फ्री हो चुका है, इसको मैं अलग रख देता हूँ यहाँ पे। और ये है मेरे पास, और मैं इस मेन सप्लाई वाले तार को भी अलग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। और ये हमारे पास बच रहे हैं अभी कितने तार हैं, एक दो तीन चार पाँच। दोस्तों हमारे पास ये पूरे पांच तार सिस्टम में बच रहे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से हमने 1 या 2 फुट तार लेना है। ये देखो, 1-2 फुट हमने तार लेना है। अब इसको हमने साइड में कर देना है, यहाँ से 1-2 फुट हमने तार लेना है। ये देखो, देख सकते हो आप, इसमें से लाइट वाला तार हमने अलग करना है और विदाउट लाइट वाले तार को हमने अलग करना है। जैसे मैं आप थोड़ा इसमें निकाल के दिखाता हूँ, ये हो गया एक अपना लाइट वाला तार दिख रहा है जिसमें लाइट लगा हुआ है, और सेम हमने एक ये तार दिख रहा है इसमें भी लाइट लगा हुआ है। तो मतलब हमारे दो तार तो हमको पता लग गया जिसमें लाइट लगे हुए हैं। सेम हमने आगे करके देखना है ऐसे करके, हाँ इसमें ही इसी तार में ये भी जुड़ा हुआ है, मतलब ये तार हमने अलग कर लेना है। और ये तीन तार बच रहे हैं विदाउट लाइट वाले, आपको मैं आगे करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक 1-2 फुट तक देखना हमने लाइट, तो ये जो तीन तार हैं दोस्तों ये विदाउट विदाउट लाइट वाले हैं। हमने बिल्कुल ये देखना है कि लाइट वाले कौन से हैं, विदाउट लाइट वाले कौन से हैं। अब हमने जो लाइट वाले तार थे उसको मैंने अलग कर लिया हूँ, और विदाउट जो मतलब लाइट वाले तार हैं उसको अलग कर लिया हूँ। इसको फिर दोस्तों हमने तीनों को छील लेना है। मैं थोड़ा सा इन तीनों को छील लेता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, ये तीनों तार को मैंने छील लिया है, और तीनों तार को मैं यहाँ पे जो लाइट वाले तार थे दो, ये देख सकते हो आप, जो लाइट वाले तार थे दो, इन दोनों तार को मैंने आपस में मतलब मिला दिया है, इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये विदाउट मतलब लाइट वाले तार थे, इन तीनों को मैंने अलग कर लिया है। मतलब दो हमारे पास दो सिरे हो गए, ठीक है। अब हमने जो मेन तार है दोस्तों उसको लेकर आना है, जो मेन सप्लाई वाला तार जो मैंने यहाँ पर रखा था, ये देख सकते हो दोस्तों। अब मैंने एक सिरे में लाइट वाले को, एक सिरे में विदाउट लाइट वाले को जोड़ना है। मैं इसको फटाफट से जोड़ लेता हूँ, मैं तो वीडियो यहाँ पुश करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इन सभी तारों को आपस में जोड़ दिया है। ये देख सकते हो, एक एक तार जुड़ गया, इसमें जुड़ा है और एक तार जो इसमें जुड़ा है हमारा, एक लाइट वाले एक विदाउट लाइट वाले मेन सप्लाई मैंने जोड़ दिया। अब इसको मैंने ऑन करके आपको मेन स्विच में 220 दे के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मेन स्विच के पास अपने आ गया हूँ, और ये है वो मेरा तार, आप देख सकते हो। इस पर दोस्तों आपने टेप कर देना है, फिलहाल मैं बाद में टेप कर दूंगा, आपको एक बार जला के इसको दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, और ये है अपना जो मेन है सप्लाई लगा, इसको लगाते समय ध्यान देना कि नीचे आपस में टच ना हो जाए। और दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही इसको मैं स्विच में लगाया हूँ, आप देख सकते हो ये जल गया है। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, बिना एडाप्टर के हम चलाएंगे तो इस कंडीशन में ये होगा कि
आपका जो लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर पाएगा। जो अडेप्टर हमारा होता है वो केवल ब्लिंक करने के ही काम आता है। तो बिना अडेप्टर को हम जला सकते हैं कोई भी लाइट को। इस तरह अपने घर में जो भी लाइट है उसको फेंकिएगा ना, ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप अब कहोगे कि कोई अडेप्टर वगैरह लगा, कुछ नहीं लगा दोस्तों। आप देख सकते हो ये दो तार है मैंने जोड़ा है और यहाँ से ये सप्लाई ये 220 यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।